ट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मजाक बनता है, चाहे वो बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो, सब लोगों को मजाक मस्ती तो चलते रहती है। मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं भी हंस के टाल देता हूँ उसमें, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बुरा लगता रहे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। नेजी यही है कि एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, नेजी को समझ पाना इतना आसान नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं। और नेजी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता है, नेजी प्यार फैलाने में, दोस्ती में, भाईचारे में विश्वास रखता है। कभी भी लाइंस क्रॉस करनी नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, रणवीर भाई हो या सना मकबूल हो। ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो वो कुछ भी बोलेगी लड़कों को, तो लड़का लड़की का शॉर्ट ही नहीं है। शॉर्ट ये है कि बस लाइंस क्रॉस मत करो। एंटरटेनमेंट की दुनिया में बदलाव लाने वाला काम करेंगे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता किसी से भी मेरा कुछ बुरा नहीं रहा, कि अनबन नहीं हुई। मैंने सब सब गलतियों को दरगुजर किया, सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ा गेम में। एक दूसरे की चुगली करते थे और ये सब गेम की बातें करते थे, तो मुझे कभी कभी बोर होता था। रणवीर भाई अपना गेम खेल रहे थे, सना मकबूल अपना गेम खेल रही थी। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि किसी भी लड़की से कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, लड़की से थोड़ा तमीज़ से ही पेश आना चाहिए। चाहे लड़की हो या लड़का हो, इंसान झगड़े में, लड़ाई में कुछ ऐसा बोल जाता है जो किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी का दिल दुखता है। बाहर भी मैं उस रिश्ते को वैसे ही रखूंगा, जो रिश्ता मेरा अंदर था उसको ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अब जब लोग उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो वो उनकी गलती है, हमारा कोई ऐसा एंगल है ही नहीं। अब हमारी दोस्ती इतनी गहरी है तो हम ज़रूर साथ में काम भी करेंगे। लोगों को हम स्क्रीन पर अच्छे अच्छे दिखते हैं, लोग पसंद करते हैं उस चीज़ को, तो हम ज़रूर काम करेंगे साथ में। ट्रॉफी भले ही हाथ में ना आए हो लेकिन सबके दिलों में आप राज कर रहे हैं, सब अभी भी नेजी 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 चिल्ला रहे। तो कैसा लग रहा है जब आप घर के बाहर आए, लोगों का रिएक्शन देखे, लोगों को देखे कि आपसे लोग इतना प्यार कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, और जैसे लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं वैसे मैं भी लोगों से प्यार कर रहा हूँ, और एक अच्छा माहौल बन रहा है। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे मौका मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, मेरे हुड को, मेरे कल्चर को। मैं जैसे आइडेंटिटी मैंने पेश किया एकदम काम कूल, तो उसमें मैं कामयाब रहा, लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इवन अगर हम आपके बिग बॉस की जर्नी की बात करेंगे तो काफ़ी लंबी जर्नी थी क्योंकि आप टॉप 2 में थे, रनर अप है, आप फर्स्ट रनर अप है, तो अगर उसके हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? मेरी जर्नी बहुत एंटरटेनमेंट वाली थी, बहुत ही यूनिक थी। दूसरे लोगों की तरह मैं गॉसिप नहीं करता था, बैक बाइटिंग नहीं करता था। मैंने रिश्ते बनाए, जितने भी रिश्ते बनाए सब रियल थे, जेन्युइन थे, और मेरी पर्सनालिटी बहुत ओरिजिनल है, जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने भी उसको अच्छे से समझा, मुझे मौका मिला ये करने का, और इसमें मैं कामयाब रहा। तो उतार रहा, चढ़ाव रहा, मतलब लेकिन कभी एवेक्ट नहीं हुआ घर से, मुझे इज्जत दी गई, टॉप 2 तक पहुँचाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मकसद में एक हद तक कामयाब हुआ, और बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। एंड आपको लग रहा है जिनका आपके घर के अंदर रिश्ता कैसा भी था, भले ही अच्छा हो या बुरा हो, घर के बाहर निकल के भी आपका उनके साथ रिश्ता वैसा ही है या फिर बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, या फिर नहीं, आप किसके साथ रिश्ता बनाया ऑलरेडी? मैंने सबसे सबसे अच्छा ही रिश्ता बनाया, किसी के भी साथ खटास नहीं रही और किसी से भी मेरा कुछ बुरा नहीं रहा, कि अनबन नहीं हुई। बाहर भी मैं उस रिश्ते को वैसे ही रखूंगा, जो रिश्ता मेरा अंदर था उसको ही मैं कंटिन्यू करूंगा। इवन कभी ऐसा आपको लगा कि मैं बिग बॉस में आ क्यों गया, या फिर ऐसे कुछ आपको बहुत बुरी लगी चीज़ें, आपको लगा कि हाँ, बार बार कभी वही कभी चीज़ें सुन रहा कभी हूँ? कभी मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो आपस में एक दूसरे की चुगली करते थे और ये सब गेम की बातें करते थे, तो मुझे कभी कभी बोर होता था और मुझे ऐसा लगता था यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था। लेकिन मेरे एक दो खास दोस्त थे जिनके साथ वक्त बिता के मैं फिर पॉजिटिव हो जाता था, तो इसलिए मुझे मतलब मेरे दोस्तों के साथ वक्त बिताता था तो मैं ठीक हो जाता था। तो फिर मुझे कभी कभी बुरा लगा लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा। इवन कोई एक ऐसा मोमेंट या फिर जब आपको लगा कि ये आपको सबसे बुरा लगा, कोई आपको कंटेस्टेंट ने कोई चीज़ बोली या फिर कोई आपके साथ ऐसी चीज़ें की, एक कोई आपको अभी भी याद होगा कि आपके जहन में अभी भी वो चीज़ है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने सब सब गलतियों को दरगुजर किया, सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ा गेम में। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, या तो मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो मुझे ज़्यादा बुरा लगा हो, सब नॉर्मल था मेरे लिए। जैसे कि बिग बॉस को हम कंट्रोवर्सी शो मानते हैं,
तो ना चाहते हुए भी लोग लोगों का केमिस्ट्री बना देते हैं बाहर निकल के, मतलब बाहर वालों को जो दिखाई देता है लोग वही बोलते हैं, वैसे कहीं ना कहीं आपका सना मकबूल के साथ लोग केमिस्ट्री बनाने लगे, भले आप लोग फ्रेंड्स थे लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल रहा था जो कि आपको भी बुरा लगा था एक टाइम पे कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम आपका सना मकबूल के साथ जो आपकी फ्रेंडशिप है अगर उसको डिस्क्राइब करने को बोलेंगे तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम लोग की बहुत रियल फ्रेंडशिप है, इस पर कोई भी दूसरा एंगल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। मुझे लगता है हम लोग बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप किए, बहुत रियल फ्रेंडशिप किए। अब जब लोग उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो वो उनकी गलती है, हमारा कोई ऐसा एंगल है ही नहीं। और वो मतलब हम लोग बहुत सॉर्टेड फ्रेंड्स है, बहुत कूल है, और हम लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, फेथ है, ट्रस्ट है एक दूसरे पर। जैसी दोस्ती हमारी अंदर थी वैसी बाहर भी रहेगी, और इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, एंटरटेनमेंट की दुनिया में बदलाव लाने वाला काम करेंगे। और जो लोग गलत समझ रहे हैं उनके सारे भरम को हम दूर कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा उनको वक्त आने पर के हम किस बारे में दोस्त हैं और हमारी दोस्ती किस डायरेक्शन में है, सब लोगों को पता चल जाएगा एक ना एक दिन। सब लोग ये भी वेट कर रहे कि आपका सना का कब कोई प्रोजेक्ट एक साथ आएगा, तो कोई सॉन्ग हो या फिर कोई भी शॉर्ट मूवी है एक्सेट्रा कुछ भी हो, या फिर आप उनको कास्ट करो अपने रैप में या फिर अपने सॉन्ग में, ऐसा कुछ हमें आगे। हाँ ज़रूर देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। अब हमारी दोस्ती इतनी गहरी है तो हम ज़रूर साथ में काम भी करेंगे, लोगों को हम स्क्रीन पे अच्छे अच्छे दिखते हैं, लोग पसंद करते हैं उस चीज़ को, तो हम ज़रूर काम करेंगे साथ में। यस, इवन अगर बात करें क्यों एक जो जिनका बिहेवियर सना को भी अच्छा नहीं लगा था, वो कई लोगों को नहीं अच्छा लगा था कि वो लोगों को ट्रोल करते, जैसे कि रणवीर सर, रणवीर जी है कि सना को काफ़ी कुछ उल्टा बोले, जो कि वो अभी बाहर भी आके बोले कि उनको नहीं पसंद आया था। तो जब वो चीज़ें चल रही थी घर में तो आप कैसा बिहेव कर रहे थे, मतलब आपका क्या रिएक्शन? तो उतना नहीं था लेकिन आपको कैसा लग रहा था कि कोई किसी को इतना कैसे बोल सकता है? कुछ भी नहीं, सब अपने अपने गेम खेल रहे थे, रणवीर भाई अपना गेम खेल रहे थे, सना मकबूल अपना गेम खेल रही थी। हाँ मैं ये बोलूँगा कि किसी भी लड़की से कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, लड़की से थोड़ा तमीज़ से ही पेश आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो वो कुछ भी बोलेगी लड़कों को, तो लड़का लड़की का शॉर्ट ही नहीं है, शॉर्ट ये है कि बस लाइंस क्रॉस मत करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। इंसान झगड़े में लड़ाई में कुछ ऐसा बोल जाता है जो किसी को तकलीफ पहुँचती है, किसी का दिल दुखता है, तो कभी भी लाइंस क्रॉस करनी नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, रणवीर भाई हो या सना मकबूल हो। मैं यही कहूँगा कि झगड़े लड़ाई में कभी भी लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नजी देखो जैसे हमने आपका बिहेवियर देखा एकदम शांत स्वभाव था, और जब आपके ऊपर मूवी बनी थी गली बॉय उसमें आपका बिहेवियर बहुत अलग था, और अब आप जब घर के बाहर आए हो आपका नेचर लोगों को काफ़ी अलग है, तो हम जानना चाहेंगे कि रियल में नेजी है क्या, उनका बिहेवियर क्या है, वो खुद में क्या है? नेजी यही है कि एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, नेजी को समझ पाना इतना आसान नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं। और नेजी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता है, नेजी प्यार फैलाने में, दोस्ती में, भाईचारे में विश्वास रखता है। नेजी थोड़ा फनी है, थोड़ा सिली है, बहुत नॉर्मल है, सबको रिलेट होता है, और जैसे सब है वैसा नेजी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, टैलेंटेड है। और बस मैंने अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाया, लोग मुझे पसंद करें, मेरा मकसद पूरा। इवन नेजी अगर बिग बॉस की बात हटाए तो बिग बॉस के पहले की अगर बात करें तो आपके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, जैसे कि बीच में आप अपना रैप भी करना थोड़ा बंद कर दिए थे, तो वो अप्स एंड डाउन्स को आप किस प्रकार मैनेज किए और किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर किए कि मैं बिग बॉस में अब आऊँ, लोगों के सामने आऊँ? मैं बहुत नेचुरली था, जैसा भी था मैं खुद अपने आप को वैसा रखा था कि कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, मैं नॉर्मली प्ले किया। और उतार चढ़ाव तो हर आर्टिस्ट के ज़िंदगी में आता है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। जब उतार आया तो मैंने सब्र किया, जब चढ़ाव आया तो मैं उसको बरकरार रखने की कोशिश की और मेहनत किया। तो मैं विश्वास रखता हूँ मेहनत करने में, और अब ढेर सारा जो प्यार मिल रहा है इसको मैं बरकरार रखने के लिए और मेहनत करूँगा और फोकस्ड रहूँगा और कामयाब होके बताऊँगा। इवन सोशल मीडिया के ज़माने में भी लोग बेवजह का लोगों को ट्रोल भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप कि कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप भी ट्रोल हुए हैं, बिग बॉस के घर के बाहर हो या फिर उसके पहले हो, तो उस चीज़ को आप किस प्रकार मैनेज किया? आपको लगा कि ये सही है या फिर मैं अपने आप को चेंज करूँ, ऐसा कुछ? सब कुछ नहीं, मेरे को ट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका मजाक बनता है, चाहे वो बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो, सब लोगों को मजाक मस्ती तो चलते रहती है।
मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं भी हंस के टाल देता हूँ उसमें, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बुरा लगता रहे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। इवन इसके बाद कई साल हो गए आपके और डिवाइन के कोलैब को लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को पसंद आता था आप दोनों के कोलैब को, तो इसके बाद अब क्या कुछ वैसा देखने को मिलेगा? हो सकता है देखने को मिले। तो अभी कुछ प्रिपेयर चल रहा है ऐसा कुछ, या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? नहीं अभी तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे रहने वाले हैं, लेकिन वो मैं सोलो करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।